सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना दोस्त ना कोई साथी, बस आप और आपकी किस्मत। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलना चाहिए। आज का पंचांग 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि दोपहर 3:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 11:49 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:09 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। हरतालिका तीज 2022 पूजा मुहूर्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि सोमवार 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से शुरू होगी। इसका समापन मंगलवार 30 अगस्त को दोपहर 3:33 पर होगा। हरतालिका तीज के दिन पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 पर है। यह योग सुबह 8:38 तक रहेगा। शाम को तीज पूजा का मुहूर्त शाम 6:33 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। वृश्चिक राशि 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, यह समय आपके लिए शुभ है। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। शिक्षक या सलाहकार यात्रा में आपको कंपनी देंगे। यह अपने विश्वासों का मूल्यांकन करने और नई संभावनाओं को देखने का शानदार अवसर है। समस्याओं की भी संभावना है, जैसे सामान का खोना आदि, इनके लिए भी तैयार रहें। यह अवसर केवल अपने दोस्तों को याद रखने का नहीं बल्कि अपने दुश्मनों तक पहुँचने और उन्हें हराने का भी है। सब कुछ नियंत्रण में है और यह सामाजिक अवसरों को हासिल करने का सही समय है। जिस तरह से आप लोगों और स्वयं के साथ बातचीत करते हैं उससे आपके जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है। पारिवारिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में आपका भरपूर योगदान रहेगा। आपकी कार्य कुशलता तथा योग्यता की सराहना होगी। अपने रुचिपूर्ण तथा रचनात्मक कार्य में कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। अभी तक जिस बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं वह सामने आने से इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने पड़ सकते हैं। परिस्थिति के सच्चाई को जाने और किन बातों के कारण आपका फायदा हो सकता है और किस बात की वजह से नुकसान, इस बात का अवलोकन करना होगा। काम की जगह अपेक्षित प्रगति न होने से तनाव बढ़ सकता है। रिलेशनशिप में जिस प्रकार से बदलाव देखना चाहते हैं वह अभी संभव नहीं है। बीपी संबंधित तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां। खर्चों के मामलों में ज्यादा दरिया दिली न रखें और न ही दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करें। हालांकि आपके द्वारा दिए गए सुझाव से काफी हद तक संबंधों में सुधार आएगा। इस समय अपने आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका जीवन साथी आपके जीवन का वो गहना है जो सफलता के साथ साथ परेशानियों में भी आपका सहयोगी है। उसके लिए कुछ स्पेशल करना ना भूलें या साथ में अकेले कहीं घूम कर आए। दुर्घटनाओं या हानि से बचने के लिए सावधान रहें। आज जो मौके आपको मिलेंगे उनका फायदा उठाएं और नए दोस्त बनाएं। विवाहित लोगों के एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान की भावना के कारण ही उनका रिश्ता आज भी फ्रेश है। रिश्ते में नई खुशबू के लिए हमेशा कुछ नया करते रहें, जैसे समय समय पर कोई उपहार देना या एक दूसरे की पसंद का खाना बनाना आदि। बात करते हैं करियर की।
अभी आपका पूरा ध्यान कानूनी मामले और धन के मामलों पर है, थोड़ा सब्र रखें क्योंकि आने वाला समय अच्छा भाग्य लेकर आएगा। आज आप पिता की तरह किसी सम्माननीय व्यक्ति के साथ सत्संग प्रवचन या कॉन्फ्रेंस में जा सकती हैं। याद रखें, कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा रास्ता है आज मेहनत करना। जब आप पुराने दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो आप पुराने दुश्मनों के बारे में भी सोच सकती हैं, जिनसे आप रिश्ता सुधारना चाहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि किसी से लगाव जीवन को बदल सकता है। लोगों से बातचीत करना गलतफहमी को दूर करता है। बात करते हैं सेहत की। मानसिक शांति और सुकून के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें तथा सकारात्मक बने रहें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।